Hi everyone, in this video we will understand how we can solve such type of set. In this set, we are given that Anush, the admin of a CAT group, has to select a team from an available list of eight students A through H. However, the only constant that he has for selecting the team is that for each of the eight students, if he selects that student, there are exactly two students from among the remaining students who cannot be selected as shown in the table below. जैसे देखिए अगर वो स्टूडेंट ए को सिलेक्ट करेगा तो स्टूडेंट्स हु कैन नॉट बी सिलेक्टेड मींस वो सी और एच को फिर सेलेक्ट नहीं कर पाएगा अगर वो बी को सिलेक्ट करेगा तो एफ और एच को सिलेक्ट नहीं कर पाएगा सी को सिलेक्ट करेगा तो ए और ई e को सिलेक्ट नहीं कर पाएगा एंड सो ऑन ठीक है तो इस तरह से हमें इंफॉर्मेशन देवे है तो क्वेश्चन पर आ जाते हैं इफ सिलेक्टेड अ टीम सिलेक्टेडीम अ मैक्सिमम पॉसिबल साइज फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर हमें नोटिस करना है कि मैक्सिमम पॉसिबल साइज बनाना है हमें एंड ही सिलेक्टेड ए अगर उसने ए को सिलेक्ट किया है तो वो सी और एच को सिलेक्ट नहीं कर सकता Who among the following will he definitely select? Okay, definitely select. तो option use कर लेते हैं Suppose उसने B को select किया अगर वो B को select करेगा तो फिर F और H को select नहीं कर पाएगा Okay, F और H को हमने पहले ही कट कर दिया यहाँ से तो F को select नहीं कर पाएगा अब अगर वो डी को सिलेक्ट करेगा ध्यान देना अगर वो टीम बनाएगा ए बी एंड अगर वो डी को सिलेक्ट करेगा तो फिर वो ई e और जी को सिलेक्ट नहीं कर पाएगा मैक्सिमम पॉसिबल साइज क्या आएगा थ्री पर अगर वो ई e को सिलेक्ट करेगा तो सी और डी को सिलेक्ट नहीं कर पाएगा और साथ ही साथ फिर वो जी को भी सिलेक्ट कर सकता है क्योंकि उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन गेम है कि वो डी और एफ को सिलेक्ट ना करे जो कि हम पहले से ही लेके चल रहे हैं तो हमारे पास फिर टीम क्या बनेगी ए बी ई एन जी तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम पॉसिबल साइज और तब भी हमारा मैक्सिमम पॉसिबल साइज कितना आएगा फोर ओके okay? अब सपोज ये तो हमें पता है कि यहां पे मैक्सिमम पॉसिबल साइज हमारा फोर आ रहा है अब ए को उसने सिलेक्ट किया अब सपोज उसने एफ को सिलेक्ट किया अब वो एफ को सिलेक्ट करेगा तो बी और जी को सिलेक्ट नहीं कर पाएगा अब देखिए अब वो आईदर डी या ई e सिलेक्ट e कर सकता है क्यों आई डी और ई सिलेक्ट कर सकता है देखिए क्योंकि अगर वो डी को सिलेक्ट करेगा तो ई e को सिलेक्ट नहीं कर पाएगा हमें गिवन है वो ई e और जी e को सिलेक्ट तो नहीं कर पाएगा और अगर वो ई को सिलेक्ट करेगा तो वो डी को सिलेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि हमें गिवन है वो सी और डी को सिलेक्ट नहीं कर पाएगा मीन्स हमारे यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल साइज कितना आएगा हमारा थ्री मीन्स आइदर वो ए एफ और डी की टीम बना सकता है या तो वो ए एफ और ई e की टीम बना सकता है okay, ओके तो दो मीनस ये दो, दोनों ही पॉसिबल केसेस में हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल साइज कितना आया थ्री पर उसे मैक्सिमम पॉसिबल साइज लेना है तो ये ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देते हैं मीन्स हमें फोर मेंबर्स की टीम का केस लेना होगा और दोनों ही केसेस में आप देखिए बी और जी इंक्लूडेड है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोर देन वन ऑफ दी अवर अनुच सिलेक्ट बुथ ए एंड डी तो ए सिलेक्ट करेगा तो सी और एच को सिलेक्ट नहीं कर पाएगा डी सिलेक्ट करेगा तो ई e और जी को सिलेक्ट नहीं कर पाएगा वॉट इज पॉसिबल साइज ऑफ द टीम दैट ही तो फिर एफ को सिलेक्ट नहीं कर पाएगा और अगर एफ को सिलेक्ट करेगा तो बी को सिलेक्ट नहीं कर पाएगा ओके okay. तो दोनों ही केसेस में देखिए मैक्सिमम पॉसिबल साइज हमारा थ्री है दैट इज ए डी और बी या तो ए डी और एफ तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा थ्री

यहाँ पर जो ये मेरे स्टूडेंट्स हैं ये सभी स्टूडेंट्स मेरे किसी ना किसी टीम में रहे ओके okay? तभी ये मेरे को मिनिमम वैल्यू मिलेगी तो अभी थोड़ी देर पहले हमने जब क्वेश्चन वन सॉल्व किया था तब तो हमारी एक टीम आ रही थी दैट इज ए बी जी एंड जी के साथ क्या आ रहा था हमारा उसको चेक कर लेते दैट इज ए के साथ हमारा सी और एच नहीं था बी के साथ हमारा एफ और एच नहीं था जी के साथ हमारा डी और एफ नहीं था मिस ई ओके ये टीम बन रही थी हमारी ए बी ई e और जी ओके ए बी ई और जी अब देखिए एक टीम और बना सकता हूं मैं सी डी और एच की ओके okay? क्योंकि देखिए सी के लिए क्या कंडीशन है हमारे पास हम ए e को सिलेक्ट नहीं कर सकते डी के लिए ई e और जी को एफ के लिए बी और जी को एंड एच के लिए सॉरी जी के लिए डी और एफ को ओके सॉरी एच के लिए A और बी को यस yes, एच के लिए तो H के लिए A और B को मीन हम इन चारों की एक टीम बना सकते हैं दैट इज F और H, और H एक टीम हमने पहले बनाई थी दैट इज A B E और G तो हमने दो टीम बना ली है यहाँ पे तो मीस मिनिमम हमारे पास जीरो स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी टीम में सिलेक्ट नहीं हुए हैं तो व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट अनुज डिड नॉट सिलेक्ट तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जीरो ओके okay? क्योंकि देखिए हमने फोर फोर मेंबर्स की टीम बना ली है कोई भी स्टूडेंट हमारा ऐसा नहीं है कि वो किसी भी टीम का पार्ट नहीं है सभी स्टूडेंट्स हमारे किसी ना किसी टीम के पार्ट हैं ओके okay, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए दैट इज जीरो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं इफ अनुज सिलेक्टेड ए बी एंड डी ए को सिलेक्ट करेगा तो सी और एच को सिलेक्ट नहीं करेगा बी को सेलेक्ट करेगा तो एफ और एच को सिलेक्ट नहीं करेगा डी को सिलेक्ट करेगा तो ई e और जी को सिलेक्ट नहीं करेगा टू बी पार्ट ऑफ वन ऑफ द टू टीम सेकेंड टीम शुड हैव एटलीस्ट थ्री स्टूडेंट्स ओके सेकेंड टीम शुड हैव एटलीस्ट टू स्टूडेंट्स इन हाउ मैनी वेज कैन ही सिलेक्ट द सेकेंड टीम ओके मींस मुझे क्या लेना है एटलीस्ट थ्री स्टूडेंट्स लेना हो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिल पॉसिबिलिटी है सी ई एफ जी एंड एच एच के लिए अगर आप केस देखें तो ए और बी को सिलेक्ट नहीं कर सकता जो कि क्योंकि हमारे ए और बी दूसरी टीम में है तो हम एच को ले सकते हैं ठीक है एफ को देखें अगर सॉरी जी को देखें अगर आप आग, तो डी और F, मिस F को फिर मैं नहीं कर पाऊंगा अगर मैं जी को सिलेक्ट करूंगा तो एफ को मैं सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा मिस मेरे जी और एफ सेम टीम में नहीं आ सकते एफ को देखें अगेन जी और एफ ओके ई को देखिए तो सी ई e और सी मेरे सेम टीम में नहीं आ सकते ई e और सी मेरे सेम टीम में नहीं आ सकते सेम सी का केस देखिए ए uh, और ई e में से मिस ई e हमारा ए तो ऑलरेडी फर्स्ट टीम में हमारा मिस ई e हमारा सेम टीम में नहीं आ सकता मिस एच को हम डेफिनेटली सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें क्योंकि आप देखिए जी और एफ में से किसी एक को सिलेक्ट कर पाऊंगा मैं एंड ई e और सी में से किसी एक को सिलेक्ट कर पाऊंगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है हमारी एच जी एच जी सी एच एफ एंड एच एफ सी मीन हमारे पास कितने केसेस आ रहे हैं फोर इन फोर वेज ही कैन सिलेक्ट द सेकेंड टीम सो गाइज यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है सिलेक्शन बेस्ड सेट था ओके okay? टीम सिलेक्ट करना पड़ रहा था हमें अप्रोच देखा होगा आपने कि किस तरह से इस टाइप के सेट को हम अप्रोच कर सकते हैं थैंक यू गाइज एंड लर्निंग